हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। भारत के प्रसिद्ध धर्म स्थलों में शामिल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज का रविवार दोपहर जयपुर में निधन हो गया। वो 88 साल के थे। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर एक सप्ताह पहले ही मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर ले जाया गया था। इलाज उनका एटर्नल हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्होंने रविवार को दोपहर 1 बजे घर पर अंतिम सांस ली। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर बालाजी लाया गया। महंत किशोरपुरी महाराज के निधन की सूचना मिलते ही बालाजी कस्बे में सन्नाटा पसर गया। दर्शनार्थियों के लिए बालाजी मंदिर के पट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही व्यापारी बाजार की दुकानें भी बंद कर मंदिर परिसर में पहुंच गए। वहीं महंत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज के निधन की जानकारी दुखद है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके अलावा सांसद जसकौर मीणा, मंत्री ममता भूपेश ने भी शोक व्यक्त किया है। आज राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के ट्रस्टी महंत का निधन हो गया है और इस बात पर राजस्थान समेत जितने भी मेहंदीपुर बालाजी के भक्त थे उनमें दुख की लहर दौड़ चुकी है। सभी भक्त दुखी हैं और मेहंदीपुर बालाजी में भी इस वक्त दुख के साथ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी की, जहां पर भक्तों का सैलाब महंत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहा है। लोगों में खासा दुख भी है। इसी के साथ महंत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। इस समय काफ़ी दुख की घड़ी है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के समर्थक और भक्तों के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान से मेहंदीपुर बालाजी की, जहां पर महंत को ले जाया जा रहा है और अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, उसके बावजूद लोग महंत के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। खबर पर हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष देवस्थानम विभाग के SD शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, MKN में बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा साहब सुन पा रहे हैं? हेलो शर्मा साहब, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं जी। आज राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी के जितने भी समर्थक थे, जितने भी भक्त थे, उनके लिए इस वक्त दुख की घड़ी है। महंत का निधन हो गया, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? ये संत समाज, ब्राह्मण समाज के लिए जी अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। आज हम सबके बीच से एक गया और दान के बहुत बड़े महात्मा का निधन हुआ है जी। वो समस्त राजस्थान के लिए नहीं बल्कि अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए, खासकर संत समाज, पुजारी समाज और ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है आज जी। वो शिक्षा के क्षेत्र में, दान में, कन्याओं की सेवा में, सामूहिक विवाहों में, कन्याओं के विवाह में जी हमेशा प्रयत्नरत रहते थे और इन शुभ कामों को करने की आज लगता है कि बहुत बड़ा रिक्त हो गया स्थान, जिस काम को वो रात और दिन मेहनत करके धर्म की तरह करते जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े संत का देहांत हो गया है जी। शर्मा साहब, उनके निधन पर सूबे के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। कई सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई सारे लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपको भी, आपने भी दुख व्यक्त किया, काफी बड़ी क्षति आप मान रहे हैं। आपकी कभी महंत से या प्रमुख से मुलाकात हुई, ऐसा कोई किस्सा जब आप उनसे मुलाकात करने पहुंचे हों? मेरी कई बार उनका बहुत स्नेह था मेरे ऊपर।
कई बार मेरी भेंट हुई है महंदीपुर बालाजी में भी, जयपुर में भी, और मेरी बात भी फोन पर उनसे हुई है। वो काफी दिन से बीमार चल रहे थे जी, और मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई है जी। शर्मा साहब, लोगों के लिए कितना बड़ा दुख का संकट होगा, क्योंकि इस तरीके से महंत का चला जाना, हालांकि वो 88 साल के हो चुके थे, काफी ज्यादा आयु हो चुकी थी उनकी, काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे वो, लेकिन इस बीच अचानक से यूं चला जाना, भक्तों के लिए काफी दुख भरा समय है ये। देखिए, वैसे भी मेहंदीपुर बालाजी एक बहुत पवित्र और सिद्ध स्थान है जी, और उनके पुजारी, उनके पूजा पाठ में संलग्न व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप में एक सिद्ध पुरुष होता है जी। और ऐसे सिद्ध पुरुष का अचानक चला जाना, तो वो काफी दिन से बीमार थे जी, वृद्ध भी हो गए थे काफी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति का चला जाना ये अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए, देश के लिए, हमारे खासकर राजस्थान के लिए जी। देवी स्थान का बहुत बड़ा महत्व था उनका, अभी भी महंदीपुर बालाजी का पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा महत्व है जी, और उसके संत और के स्थान पर आज जो रिक्त हुआ है, बहुत बड़े और बहुत ही मृदुल, बड़े अच्छे स्वभाव के, दया और दान के भक्त थे, उनका चला जाना ये बहुत बड़ी क्षति हम सबके लिए। ठीक है, चलिए शर्मा साहब, तो परम पिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर जी। ठीक है, चलिए शर्मा साहब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राजस्थान में जितने भी मेहंदीपुर बालाजी के भक्त हैं, उनके लिए दुख का सैलाब उमड़ पड़ा है। मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख संत का निधन हो गया है। हमारे साथ पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एमकेएन में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। सौरभ जी, आज राजस्थान वासियों के लिए, या यूं कहें देश के जितने भी मेहंदीपुर बालाजी के समर्थक और भक्त थे, उनके लिए इस वक्त दुख की घड़ी है। प्रमुख महंत का निधन, यूं अचानक से छोड़ के चले जाना, 88 साल की आयु कंप्लीट करने के बाद, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? जी, ये संत समाज के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति सामने खड़ी हो गई। हमारे संत समाज के एक प्रमुख के रूप में मेहंदीपुर बालाजी धाम, जिसके संत जिन्होंने हजारों भंडारे करवाए, हजारों कन्याओं के विवाह करवाए, कई ऐसी गरीब कन्याओं के विवाह करवाए, और कई ऐसी चीजें उन्होंने विद्यालयों में, स्कूलों में दान करी, विद्यालय भवन बनवाए, तो आज कहीं ना कहीं संत समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम उनको नमन करते हैं, संत समाज बार बार उनको याद कर रहा है कि ये ऐसी क्षति होना बहुत ही एक दुखनीय प्रकट हो रहा है। सौरभ जी, आप पीठाधीश्वर हैं, मंदिर में जिस तरीके से चीजें सुचारू रूप से चल रही थी, एक बुजुर्ग के नाते वो पूरे तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे थे, मंदिर का रख रखाव, जिस तरीके से भक्तों की भीड़ पहुंचती थी उनसे मिलने के लिए, और भी आप बता रहे हैं कि कई बड़े काम किए उन्होंने, और उनके निधन पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट किया है, दुख जताया है, और भी कई सारे राजनेता हैं, और भी कई सारे बड़े लोग हैं जो समर्थक हैं उनके, और उनके निधन पर दुख जता रहे हैं। मंदिर का सुचालन, मंदिर का क्रियान्वयन उनके जाने के बाद किस तरीके से होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति मानी जा सकती है उनके निधन पर? जी बिल्कुल, देखिए, ये मंदिर की व्यवस्थाएं अलग होती है, ठीक है, मंदिर की व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज हमारे लिए मेहंदीपुर बालाजी के महंत का जाना एक बहुत ही दुखनीय विषय है, लेकिन मंदिर का देखें तो अब आने वाले उनकी जो पीढ़ी है, आने वाले जो उनके अनुयायी है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं संभालेंगे। जो अक्सर होता है संत समाज में, कहीं ना कहीं शिष्य परंपराएं रहती है, उनके जो शिष्य हैं वो आगे उन व्यवस्थाओं को संभालेंगे। ऐसी कई पीठ है जहाँ पे अक्सर होता है, लेकिन बार बार मन में, दिल में कहीं ना कहीं ये ठेस है, कहीं ना कहीं ये दर्द है कि आज अचानक हमें छोड़ के जाना हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। संत समाज का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरे देश में एक मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसे संत बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही कहते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से देश में एक अपना अलग छाप छोड़ी है, मीडिया में अक्सर उनके इतने नाम आते थे कि वो बिना किसी निजी स्वार्थ के, कोई उनका स्वार्थ नहीं होता था, और वो अक्सर बड़े बड़े भंडारे करवाना, गरीब कन्याओं के उन्होंने इतने विवाह करवाए हैं, इतने भूखों को रोटी खिलाई है, मतलब जो पैसा मंदिर में आता था, कई लोग कहते हैं मंदिर में बहुत पैसा आता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जेब में एक रुपया नहीं रखा, लोगों की सेवा में लगाते रहे, निर्धन लोगों की सेवा में लगाते रहे।
इसके अलावा सौरभ जी, मैं जानना चाहूंगा, आप पीठाधीश्वर हैं, कई बार आपकी मुलाकात भी हुई होगी प्रमुख महंत किशोरपुरी महाराज जी से, और काफी ज्यादा आपकी मुलाकातें भी होंगी, कई लोग उनसे मिलने भी पहुंचते थे। जरा एक मुलाकात बताएं, किस तरीके से व्यक्तित्व था उनका, किस तरीके से लोगों की मदद करते थे वो? मैं एक वाकया बताता हूं आपको, करीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले की। मैं उधर गया था, तो मैंने मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए गया जी। तो मैं ऑर्डिनरी, मेरी एक आदत है, मैं कहीं पे भी VIP नहीं दिखाता, मैं जहां पे मंदिर होता लोग मुझे पहचान जाते तो वो ही खुद मेरे को आगे ले जाते। तो मैं मंदिर में जा रहा था तो वहां के गार्ड ने मुझे पहचान लिया कि ये तो राघवेंद्राचार्य महाराज है जो अक्सर टीवी पे आते हैं। तो उन्होंने मेरे को ले जाके बोले नहीं आप चलो महाराज जी के पास चलो। तो मैंने कहा नहीं मैं ऑर्डिनरी दर्शन कर लूंगा। तो वो आए और उन्होंने आके मेरे को स्पेशल उठा के मेरे को लेके गए, नहीं महाराज जी आप अंदर आके दर्शन करें। तो वो मुझे कई ऐसे वाक्य हैं, फिर उन्होंने मेरे को पूरी जानकारियां दी कि महाराज जी ये देखो हमने ऐसे ट्रस्ट बना रखा है मेहंदीपुर बालाजी का और इसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो आज अचानक ऐसे आता है कि वो मेरे बीच में मेरे साथ ही है, आज भी ऐसे लगता नहीं कि वो मुझे छोड़ के चले गए। चलिए ठीक है, सौरभ जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्र जी, जिनका कहना है कि प्रमुख महंत किशोरपुरी महाराज जी चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आज भी वो उनके साथ हैं। भारत की प्रमुख प्रसिद्ध धर्म स्थलों में शामिल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज का आज दोपहर निधन हो गया है। 88 साल के थे, 88 साल की आयु पूरी कर चुके थे, काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 1 सप्ताह पहले ही उन्हें मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने रविवार को दोपहर 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर बालाजी लाया गया। काफी बड़ी क्षति मानी जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख महंत किशोरपुरी महाराज जी का निधन हो गया, और उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। इसके अलावा और भी कई बड़े नेता, राजनेता और बड़े समर्थक उनके यूं ही चले जाने पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनके निधन पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, यानी कि अब भक्तों को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ ज्योतिषी पंडित घनश्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, MKN में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। घनश्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख महंत किशोरपुरी महाराज जी का आज निधन हो गया। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, 88 साल की आयु पूरी कर चुके थे। संत समाज के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप यूं ही चले जाने से? आज महाराज सद्य श्री किशोरी राज जी का, महंत जी का जो निधन सुनकर के बहुत गहरा दुख प्रकट हुआ जी, बहुत धक्का लगा है। सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में महाराज जी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है जी। इस सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की पूर्ति होना बहुत बड़ा एक संकट है। महाराज जी का जाना बहुत बड़ा गहरा दुख प्रकट हुआ है जी। दिवंगत आत्मा को हम विशेष श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान प्रदान हो, ऐसी बालाजी महाराज से और दिवंगत आत्मा को उत्तम गति प्रदान करने के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं जी। ओम देव हो शांति रंतरिक्षुण शांति ही पृथ्वी शांति राप है शांति रोषदय है शांति ही वनस्पत शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वघू शांति शांति देव शांति साभा शांति रेधि। दिवंगत आत्मा को भगवान के चरणों में स्थान मिले, ऐसी हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ओम शांति ही। ठीक है घनश्याम जी, इसके अलावा ये भी कई सारी बातें आती हैं उनके बारे में कि बहुत समाज सुधारक थे, समाज के लिए बहुत कल्याण करते थे, जो बालिकाओं के लिए थे उनके लिए भी तत्पर खड़े रहते थे, और भी जितनी भी समाज सेवा उनसे हो सकती थी हर किसी के लिए वो आगे रहते थे, तत्पर रहते थे। क्या लगता है आपको कि बढ़िया कहा जी? हाँ, मैं संत समाज के लिए एक बहुत बढ़िया क्षति हुई है संत समाज में। वो समाज सुधारक थे वो, और वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र से बड़े उन्नति शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति थे। महाराज श्रद्धेय श्री तो बहुत उच्च लेवल के
आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञाता थे, भक्त थे और भगवान का उन्होंने विशेष करके चिंतन मनन और मंत्रों के द्वारा समस्त कष्ट निवारण करने का विशेष काम किया है। ऐसे धाम के स्थान के महंत श्री का जाना बहुत बड़ी क्षति है ही, ठीक है। बाकी उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है जी। महाराज श्री की जितनी कहा जाए बहुत कम है। ऐसे संत का जाना संत समाज के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति कहूंगा मैं। ऐसे महाराज जी के लिए मैं विशेषकर विनय श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ठीक है, चलिए शर्मा साहब एमकेएम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ज्योतिष जुड़े हुए थे पंडित घनश्याम शर्मा जी, जिनका कहना है कि समाज आज साधु समाज के लिए, संतों के समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख मंदिर किशोरपुरी महाराज इस बीच अब नहीं रहे और उनके निधन पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनके समर्थक और भक्तों का सैलाब मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ रहा है। महंत किशोरपुरी महाराज के निधन की सूचना मिलते ही बालाजी कस्बे में सन्नाटा पसर गया। दर्शनार्थियों के लिए बालाजी मंदिर के पट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही व्यापारी बाजार की दुकानें भी बंद कर मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। वहीं महंत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज के निधन की जानकारी दुखद है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके अलावा सांसद जसकौर मीणा, मंत्री ममता भूपेश ने भी शोक व्यक्त किया है।